सुप्रभात बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में चैप्टर वन में आप लोगों ने जनन के बारे में जान चुके हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो निषेचन क्या होता है और निषेक फलन क्या होता है। तो इस दूसरे चैप्टर में हमें आपको पादपों मतलब के बारे में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जानना है। तो लैंगिक जनन से तात्पर्य आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब दो नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं और वह जब आपस में संलैंगिक क्रिया के द्वारा ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, चाहे वह पुष्प पेड़ पौधे हो चाहे वह जंतु हो। तो लैंगिक जनन के यहाँ पे इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, पुष्पी। पुष्पी का मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिसमें फूल आवृतबीजी पौधों में फूलों का निर्माण होता है जिसके द्वारा वो अपने जनन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। तो पुष्पी पादपों में के में आते हैं क्या, पुष्प। पुष्प का मतलब हो गया, आप जानते हैं फूल, जिसके द्वारा हम पुष्प के पहले भाग जानते हैं। तो आप लोगों ने 11th की क्लासों में जाना था कि दल, बाह्य दल, दल पुंकेसर या पुंकेसर और स्त्री केसर, ये मुख्य रूप से भाग होते हैं। ये चार मुख्य पुष्पों के भाग होते हैं, ये आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जाना था, पढ़ा भी है। तो ये क्या होता है, ये सहायक होते हैं बाह्य दल और दल। अब पुंकेसर क्या होता है, यह नर को दर्शाता है, मादा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं पुष्पी पादपों में पुष्प क्यों और कैसे बनते हैं। तो पुष्पों में ये रंगीन पुष्प पाए जाते हैं जिनके कारण ये एक दूसरे को परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये एक अंग उनके इसके लिए वाहक की आवश्यकता होती है, चाहे वह वायु द्वारा हो चाहे वह जल द्वारा हो या एक ही पौधे में दोनों पुष्पों के होने पर। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, निषेचन और परागण। दो शब्द आते हैं इसमें, परागण का मतलब है पुंकेसर से हमारे बनते हैं परागकण, जो कि पुंकेसर में बने परागकण स्त्री केसर के जायांग तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, परागण। तथा निषेचन की प्रक्रिया को आपको पता है, इसमें हमारे नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं जिसके द्वारा उनमें एक भ्रूण का या युग्माणु का निर्माण होता है। तो पुष्पी पादपों में क्या होते हैं, ये कैसे पौधे होते हैं, बीजाणुभिद मतलब इनमें बीज बनते हैं, स्पेरोफाइट्स बनते हैं। तथा परागण जिनका निर्माण पराग कोष में होता है उनके द्वारा उनको क्या कहते हैं, अब आते हैं हम लोग प्रजनन की नीतियां क्या है। तो किस फिर इसके लिए क्या होता है, आवृत बीजों का एक जीवन अंतराल होता है, मतलब जीवन चक्र जिसको आप कहते हैं। इनमें एक युग्मक दूसरे पीढ़ी में दूसरे से तीसरे में जाते रहते हैं लगातार। तथा इसके लिए क्या होते हैं, इनमें स्थलीय एक स्थान से स्थलीय पादप होते हैं। स्थलीय पादप मतलब ये जमीन पर एक स्थान पर अस्थायी रूप से पड़े रहते हैं। इसके बाद इनमें परागकणों का निर्माण होता है जिसमें नर युग्मक तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया ना हो जाए। तथा इसके बाद हम बात करते हैं पुष्पी पादपों में क्या क्या होता है और कैसे। तो आप देखते हैं कि निषेचन से पूर्व क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या इसके पहले हम आप लोगों को पुष्प के चित्र के द्वारा समझाते हैं क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो जैसे
ज्यादा काम। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि यह हमारी क्या होती है, ओबरी या अंडाशय कहते हैं आप इसको, और यहां पे हमारे क्या बनते हैं पुंकेसर या पराकर कह सकते हो आप इसको। यह क्या होता है, नर क्या होता है और यह मादा। बाकी चीजें इनमें स्टाइल ये अपनर के भागों से बात करते हैं कि इनको तीन भागों में बांटते हैं, वर्तिका वर्तिका जो था ओवरी, मादा जनन में ओवरी होते हैं, इनमें आपके बीजों का निर्माण होता है। तथा इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार होते हैं, तो निषेचन से पूर्व क्या क्या घटनाएं घटते हैं उनको हम देखते हैं। तो निषेचन से पूर्व हमारे पुष्पों में क्या होता है, पहला पुंकेसर को लेते हैं हम, एक को पुंकेसर में, पुंकेसर से बनते हैं हमारे क्या परागकोष, परागकोष से बनते हैं हमारे परागकणों का निर्माण होगा जिनको हम कहते हैं क्या लघु बीजाणु धानी, किसमें होती है लघु बीजाणु धानिया का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानियों के अंतर्गत हमारे क्या बनते हैं लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप इनमें लघु बीजाणु को भी हम क्या कहते हैं परागकण। परागकणों में क्या होता है इनका विकास होता है, मतलब नर युग्मक बनता है। मतलब जब हमारे किसी पुष्प के पुंकेसर में वह जनन की प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व या उनमें निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व पहले हमारे पुंकेसर में से पुंकेसर से परागकोष बनते हैं, प्रकार परागकोषों से लघु बीजाणु धानिया का निर्माण होता है जिसमें लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप इनमें क्या बनता है परागकण बनते हैं। ये परागकण नर युग्म को भी मतलब नर युग्मक के रूप में तैयार हो जाते हैं। तथा फिर अब ये नर युग्मक हमारा तैयार हो गया, अब हम इसके बाद देखते हैं कि और क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, अंडा पे, मतलब मादा जननांगों के बारे में। तो इसमें बनते हैं हमारे अंडा, अंडा होता है, अंडा से बनता है हमारा अंडाशय, अंडाशय से हमारा बनते हैं बीजांड या बीजाणु का मतलब होता है गुरु बीजाणु धानिया। गुरु बीजाणु धानिया को गुरु बीजाणु धानी लघु गुरु बीजाणु धानियों के द्वारा लघु बीजाणु धानिया बनती है जिसमें हमारे क्या होते हैं गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप इनमें बनते हैं हमारे गुरु बीजाणु के फलस्वरूप बनते हैं इनमें भ्रूण कोष।
भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इन भ्रूणकोशों में हमारे क्या बनते हैं, मतलब इस भ्रूणकोश को हम लोग कहते हैं मादा युग्म, मादा युग्म। अब हमारा केसर के द्वारा लघु बीजाणु का परागकण हो गया, नर युग्मकों का निर्माण हो चुका था पिछले देखा, अंडक के द्वारा अंडाशय बीजाणु गुरु बीजाणु धानिया बनी जिनमें जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बना, गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण हुआ जिसको हम जिसमें मादा युग्मकों का निर्माण होता है तथा इन मादा युग्मकों के द्वारा के निर्माण के बाद अब प्रारंभ होती है हमारे परागण की प्रक्रिया। ये सेकेंड स्टेज था, ये थर्ड स्टेज है। तो परागण की प्रक्रिया के फल स्वरूप क्या होते हैं, परागकण जो है वो पराग परागकण पहुंचते कहां है, वर्ती काद पर। परागकण पहुंचे कहां, वर्ती काद पर। परागण परागकण पहुंचे वर्ती काक पर, जिसके बाद ये क्या कहते हैं परागकण क्या कहता है अंतःक्रिया, इनके बीच होती है अंतःक्रिया जिसको आप कहते हैं अंतःक्रिया के द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। इन सारे प्रोसेस होने के बाद तब हमारा होता है निषेचन। निषेचन के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि क्या होता है, यह इनमें देखिए अब इनमें क्या हो गया, एक बार हो गया अंतःक्रिया हुई मतलब एक बार इनमें निषेचन हो गया, इनमें में द्विनिषेचन पाया जाता है पुष्पी पादपों में तथा तो इसके लिए इनमें युग्मकों का निर्माण हुआ, फिर इसमें त्रिसंलयन होता है जिसके फलस्वरूप इनमें कई चीजों का निर्माण हो चुका रहता है। निषेचन के क्या प्रक्रिया होती है उसके बाद भी कुछ चीजों और बनती है। तो निषेचन के बारे में आप जानते हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इनमें निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन पाए जाते हैं जिनको आप आगे देखते हैं। निषेचन के पश्चात की प्रक्रिया के मतलब क्या हुआ, पहले हमारे पुंकेसरों के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण तथा स्त्री केसर के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण हो गया जिसमें नर युग्मक में हमारे लघु बीजाणु बने तथा मादा युग्मक में गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ तथा उसके बाद ये दोनों आपस में संलयन की प्रक्रिया कर निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तथा उसके बाद इनमें भी कुछ परिवर्तन आते हैं जो कि निम्नलिखित है, जैसे भ्रूण पहला होता है भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है तथा फिर इसके बाद भ्रूणकोश का विकास होता है जिसके बाद क्या बनता है हमारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण बनता है फिर तीसरी अवस्था में बनते हैं हमारे क्या बीज फल इत्यादि। ठीक, तो यह प्रक्रिया है हमारे निषेचन की। अगली वीडियो में आप लोगों को हम इसको बाइग्राफ पूरी प्रक्रिया को एक डायग्राम के द्वारा समझाते हैं।